आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी आत्मा का केस शेयर करने जा रही हूँ जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान गंवाई और इतने साल गुजरने के बाद भी अभी तक उन्होंने रीबर्थ नहीं लिया है। आपका नाम क्या है? रामदेव। आपकी मृत्यु कब हुई? 1942। मृत्यु से पहले आप कहाँ थे? लाहौर। आपकी मृत्यु कैसे हुई? मैं फ्रीडम फाइटर था, मुझे उल्टा लटकाकर गोली मार दी गई। 1942 के आसपास जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, उस वक्त इस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किया जाना बहुत आम बात थी। आपकी मृत्यु क्या पहले से निर्धारित थी? हाँ। अब जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ऐसे किसी, एक तो से हत्या है तो किसी की हत्या पूर्व निर्धारित होती है? नहीं, हत्या पूर्व निर्धारित नहीं होती, लेकिन यह उस आत्मा की मृत्यु की तारीख होगी जब उसे शूट किया गया। अगर उसे शूट ना भी किया जाता तो कोई और वजह बनती, वो अपनी इस तारीख पर चला जाता। आपका लाइफ लेसन क्या था? एंगर मैनेजमेंट और कंट्रोल। क्या आपने इसे कंप्लीट किया? नहीं। आपने कितने जन्म लिए? 70। क्या आप हमें किसी बर्थ में जानते थे? नहीं। लेकिन आपकी परदादी और मेरी मम्मी आपस में मित्र थी। आपकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? मैं उस समय उदास था और मेरी मम्मी भी बहुत उदास थी, लेकिन मृत्यु के फौरन बाद मैंने बहुत हल्कापन अनुभव किया। मैं एक आत्मा से मिला जो मुझे रास्ता दिखा रही थी। मुझे एक स्थान पर इंतज़ार के लिए रुकना था, उसके बाद मेरी लाइफ का रिव्यू किया गया मेरे मास्टर्स के द्वारा। क्या आपने लाइट और सुरंग देखी? हाँ। क्या आपने फॉरेन बॉडी छोड़ दी? हाँ। क्या कोई आपको लेने आया था? हाँ, एक आत्मा। क्या आप प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरे? हाँ, मैंने रिवर में स्नान किया। क्या आपके इमोशन क्लीन हुए? हाँ। क्या कुछ ऐसा है जो क्लीन नहीं हुआ? हाँ, उसके लिए मुझे रिबर्थ लेना होगा। आपके रिव्यू में क्या हुआ? मुझे मास्टर्स के द्वारा डांट पड़ी। क्या आपको कोई पछतावा है? नहीं, अब नहीं है। आप जहां अब है, आपकी सराउंडिंग्स कैसी हैं? खूबसूरत बाग, कलरफुल रिवर, बड़े खूबसूरत फूल और झरना। यहाँ कोई घर नहीं है, बिल्कुल भीड़ नहीं है, हम बहुत शांति से हैं। मैं यहाँ म्यूजिकल नोट्स सुन सकता हूँ, जैसे पानी की आवाज़। नेक्स्ट बर्थ में आपके क्या लाइफ लेसन है? काइंडनेस और फॉरगिवनेस। वैसे अगर आप ध्यान दें, काइंडनेस और फॉरगिवनेस, जैसे पहले इनका लाइफ लेसन था एंगर पे कंट्रोल करना, जिसमें ये सफल नहीं थे, कुछ प्रतिशत सफल होंगे, पूरी तरह नहीं थे। अब देखा जाए तो फॉरगिव कर देना, काइंडनेस दिखाना, ये भी अगर आप गुस्सेल प्रवृत्ति के नहीं हैं, या जब आप अपने गुस्से पर काबू पाना सीख जाते हैं, उसी के बाद पैदा होने वाली फीलिंग्स हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि रामदेव जी की मृत्यु
स्वतंत्रता संग्राम में हुई, एक नेक कार्य के लिए हुई, राष्ट्र देशभक्ति में हुई। लेकिन उन्होंने एक बात बोली कि उन्हें उनके जो मेंटर थे उनके द्वारा स्कोल्ड किया गया। अब जब एक व्यक्ति की मृत्यु एक नेक कार्य को करते हुए हो रही है, फिर भी उसे डांट क्यों पड़ी? तो इसके बहुत सारे रीज़न रहे होंगे। हम ये तो देख रहे हैं कि उन्होंने देशभक्ति में अपनी जान दी, लेकिन इसके अलावा भी उनकी एक बहुत जो पूरी लाइफ रही होगी उसमें उन्होंने क्या क्या किया, और ख़ास तौर पर जो उनके लाइफ लेसन थे, एंगर मैनेजमेंट, उस पर कंट्रोल, उसमें तो वो फेल ही थे। और ये जो उनकी मृत्यु हुई ये भी प्री डिसाइडेड थी। देखने में तो ये हत्या है, लेकिन अगर उनकी हत्या ना हुई होती तो भी ये उनकी मृत्यु की तारीख थी। यदि वो स्वतंत्रता सेनानी भी ना होते, उनको ऐसे शूट भी ना किया गया होता, तो भी कुछ रीज़न बनता और उनकी मृत्यु हो जाती। अब उन्हें जल्दी बुला लिया गया, इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि वो स्वतंत्रता संग्राम में तो थे, लेकिन वो जो भी कार्य कर रहे होंगे उसमें जो उनकी लाइफ लेसन है, एंगर मैनेजमेंट, कंट्रोल, उसमें वो और भी ज़्यादा गलत हो रहे होंगे, और भी ज़्यादा नेगेटिव वे में जा रहे होंगे। वो ऐसा कार्य कर रहे होंगे जिससे वो अपनी जो एंगर है उसको और बढ़ावा दे रहे होंगे, बजाय सीखने के फेल हो रहे होंगे। लेकिन इसके बावजूद ये बात याद रखनी चाहिए कि जो नेक कार्य होते हैं वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। वो अपने लाइफ लेसन में फेल हुए, आगे जो भी उनका बर्थ है उनके कर्मों के मुताबिक वो तो है, लेकिन जो इस तरह के, अब मान लेते हैं यही केस है, इस तरह की जो पर्सनैलिटी है, जो देश सेवा में निछावर हुई है, अब ये वाली जो ऊर्जा जो उन्होंने क्रिएट करी है वो भी तो नेक्स्ट बर्थ पे असर डालेगी ना। तो नेक्स्ट बर्थ में उनके आसपास ऐसी परिस्थितियां होंगी कि या तो वो किसी ऊंचे ओहदे पर होंगे जहां उनको राष्ट्र के लिए करने का और देश के द्वारा उन्हें लाभ भी पहुंच रहा है और वो राष्ट्र के लिए कुछ कर सकने में भी सक्षम है। इस तरह की परिस्थितियां उनके नेक्स्ट बर्थ में क्रिएट होंगी, क्योंकि जैसे अभी इसी वक्त आप ये वीडियो सुन रहे हैं, आप एक ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं, आप अपना जीवन जी रहे हैं, कुछ घटनाएं, कुछ फैसले, कुछ जो कुछ भी चल रहा है लाइफ में, आप एक ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं और वो ऊर्जा आपके जीवन का निर्माण कर रही है, जीवन की घटनाएं निर्मित कर रही है। अब एक दिन आपकी मृत्यु हो जाती है, तो इस पूरे जीवन में जो ऊर्जा आपने निर्मित की है, जिसकी वजह से जीवन का निर्माण हुआ है, उसी की वजह से तो आपके नेक्स्ट बर्थ का भी निर्माण हो जाएगा। मैंने बोर्न अगेन, ये एक पुस्तक है, इसके ऊपर एक सीरीज बनाई थी जिसमें कई हजार केस थे, पूरे वर्ल्ड वाइड केस थे जिन पे रिसर्च हुई थी। उनमें एक चीज़ निकल के आई थी कि जैसे जिन लोगों को कोई मेंटल इलनेस है तो नेक्स्ट बर्थ में भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि उन्हें मेंटल इलनेस होगी। दो तीन ऐसे केस हुए हैं जिसमें इस तरह की इलनेस ट्रांसफर हुई है। अब देखिए, पॉजिटिविटी भी ट्रांसफर होती है ना, कोई गुण है, कला है, कुछ भी है ट्रांसफर हो रहा है, तो नेगेटिविटी भी ट्रांसफर हो रही है। अब जब वो ट्रांसफर होगी तो वो जो व्यक्ति है जो मेंटली इल है उसके सामने एक बार फिर से इस तरह की परिस्थितियां आएंगी कि वो उस इलनेस को समझे, उससे बाहर निकले और वो जिस नेगेटिव फीलिंग की वजह से क्रिएट हुई है उस पर काबू पाए, एक नई ऊर्जा का निर्माण करे, इस साइकिल को तोड़ दे और आगे बढ़ जाए। इसी तरह से अब ये व्यक्ति है, इसने अपने एंगर मैनेजमेंट पे जो उसका लेसन था उस पर उसने काम नहीं किया, इस बर्थ में जब उसे नेक्स्ट बर्थ मिलेगा तो एक बार फिर से ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होंगी कि राष्ट्र की तरफ से कुछ मिल रहा है ऐसे, या राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिल रहा है, या जो राष्ट्रीय स्तर के जो व्यक्ति